शिक्षा जगत की खबरों के बारे में बातचीत करेंगे। खबर आ रही है चूरू से, जहां पर फिर से एक बार विद्यार्थियों के चेहरों पर आई है मुस्कान। और जानकारी के लिए बता दें कि फिर से 4 महीने के अंतराल के बाद में फिर से 9वीं से लेकर 12वीं तक की कक्षाएं हुई हैं शुरू। कोरोना गाइडलाइंस का विशेष रूप से रखा जाएगा ध्यान। चूरू के बिदासर में राज्य सरकार के निर्देश अनुसार आज 9वीं से लेकर 12वीं तक के स्कूलों में घंटी बजी है। लंबे अंतराल के बाद खुले स्कूलों में 50% विद्यार्थियों के साथ कोरोना गाइडलाइन का पूरा ध्यान रखा गया है। सभी विद्यार्थी मास्क लगाकर स्कूल पहुंचे। वहीं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय की छात्राओं में स्कूल खुलने पर काफी उत्साह देखने को मिला। छात्राओं ने कहा कि लंबे समय से उनकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी, अब स्कूल खुलने से उन्हें बेहद खुशी है। कोरोना के कारण से काफी लंबे समय से विद्यालय खुला है और पूरे सोशल डिस्टेंसिंग के साथ, सैनिटाइज के साथ विद्यालय में बच्चे आए हैं। अभी थोड़ी कम संख्या में आए हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का हम पूरा ध्यान रख रहे हैं, साफ सफाई का ध्यान रख रहे हैं और अच्छा है कि बच्चे आए हैं, स्कूलें खुली है। बच्चों में काफ़ी उत्साह देखा गया है। गाइडलाइन का हम पूरा पालन कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि विद्यालय इसी तरह से नियमित रूप से लगते रहें, क्योंकि बच्चों को पढ़ाई का काफ़ी लॉस हो रहा है इस बीमारी के कारण से। ये बताना चाहती हूँ कि कोरोना गाइडलाइन के कारण हमारी स्कूलें बंद थी और अब 135 दिनों के बाद में हमारी स्कूलें खुली हैं। और अब इतने दिन हम घर पे क्लासें ऑनलाइन ले रहे थे और अब मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है, क्योंकि